रवि, कवि और चांद, ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 5:3:2। 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 70,000, चांद का लोन दे रखा है 20,000, मिसेस चांद का लोन दे रखा है 20,000 और इनके कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं रवि का 4 लाख, कवि का 3 लाख और चांद का 1 लाख और टोटल कैपिटल है 8 लाख और टोटल है लायबिलिटी साइड का 9,10,000। एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग दे रखा है 3,50,000, स्टॉक दे रखा है 3 लाख, डेटर्स दे रखा है 2 लाख जिनपे प्रोविजन है 10,000, नेट अमाउंट है 1,90,000 और कैश दे रखा है आपको 70,000। इनकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई ऑन द अबव डेट और जो लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक है उनसे टोटल कुल मिलाकर ₹6 लाख रियलाइज हुए, वो इतने के बेचे गए, ठीक है बच्चों, ₹6 लाख के। फिर ये बताया गया कि जो डेटर्स हैं उनसे 10% कम अमाउंट रियलाइज किया गया, यानी डेटर जितने के भी थे उससे 10% कम अमाउंट रियलाइज किया गया। तो बच्चों जो डेटर थे वो थे कितने के, ये डेटर थे आपके ₹2 लाख के, तो 10% कम मिला, इसका मतलब ₹1,80,000 आपको मिला फ्रॉम द डेटर्स, ठीक है बच्चों। तो तीनों एसेट्स जो आपकी थी वो फाइनली रियलाइज हो गई, लैंड बिल्डिंग का कंबाइंड, लैंड बिल्डिंग और स्टॉक का कंबाइंड अमाउंट 6 लाख मिला और डेटर से आपको 1,80,000 मिला। मिसेस चांद को जो है जो उनका लोन था उसको सेटल किया गया एक कंप्यूटर देके जो पहले बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था। तो बच्चों अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी को कोई एसेट देते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो या चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, इन सेटलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी और बदले में हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, नहीं मिलता है, तो ऐसे में हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप किसी लायबिलिटी को कोई एसेट दे के सेटल करते हैं और बाद में हमें कोई पैसा ना देना पड़ता है ना लेना पड़ता है, तो ऐसे में उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, ठीक है बच्चों। अब लायबिलिटीज़ में आपके पास जो क्रेडिटर बच गया उसके बारे में कहा गया है कि जो रवि है उसने वन ऑफ द क्रेडिटर को जो कि थे तो ₹30,000 के ₹20,000 पे कर दिए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी एक क्रेडिटर जो कि ₹30,000 का था, रवि ने उसको ₹20,000 में सेटल कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्रेडिटर टोटल थे 70,000, 30,000 वाले क्रेडिटर को तो 20,000 रवि ने पे कर दिए। अब जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं यानी ₹40,000 के क्रेडिटर्स, उनको पूरा पूरा कैश में पे कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज सारी सेटल हो गई। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कहा गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो आपके एसेट्स दे रखी हैं बैलेंस शीट में उनको क्लोज करना है, ठीक है बच्चों। कैश को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स को आपको क्लोज करना है। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, स्टॉक और डेटर्स, इन तीनों को क्लोज करेंगे। सबसे पहला काम आपका ये होगा, इनकी बुक वैल्यू पे इनको क्लोज किया जाएगा, वो वैल्यूज जो बैलेंस शीट में शो की हुई हैं। 3,50,000 लैंड बिल्डिंग का था, 3 लाख स्टॉक का था और डेटर्स का 2 लाख। जो डेटर पे प्रोविजन था उसको आप अपोजिट साइड में डाल के क्लोज करेंगे, ये था ₹10,000। प्रोविजन सिर्फ क्लोज किया जाता है, आगे इसको पे नहीं किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इसको बस यहाँ डाल के क्लोज कर दीजिए, आगे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लायबिलिटी साइड से आपको क्रेडिटर्स को क्लोज करना है और मिसेस चांद के लोन को क्लोज करना है। क्रेडिटर है 70,000, मिसेस चांद का लोन है ₹20,000, ठीक है बच्चों। आउटसाइड लायबिलिटीज को ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है, जो चांद का लोन है वो एक इनसाइड लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया गया।
और कैपिटल अकाउंट्स तो वैसे भी नहीं क्लोज किए जाते रिलेशन अकाउंट में डाल के। सही है बच्चों। अब जो हमें लैंड बिल्डिंग से और डेटर से जितना पैसा रिलाइज हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है बाय बैंक अकाउंट, जितना भी पैसा उनसे रिलाइज हुआ है वो टोटल बाहर आ जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक इनसे तो कंबाइंड अमाउंट मिला है आपको 6 लाख, और डेटर से 10% कम अमाउंट मिला है तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000, हटा के लिखेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। यानी आपको टोटल अमाउंट इन एसेट से रिलाइज हुआ है 7,80,000। ठीक है बच्चों। और मिसेज चांद के लोन के बारे में मैंने बता ही दिया था कि उसको हमने एक एसेट देके सेटल करा है, ना ही हमें कोई कैश देना पड़ा उसको, ना ही उससे कैश लेना पड़ा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी। और जितने क्रेडिटर को रवि ने सेटल किया है वो रवि के नाम से आएगा डेबिट साइड में टू रवीज कैपिटल। ठीक है बच्चों। वो क्रेडिटर थे तो 30,000 के, लेकिन रवि ने उसको सेटल किया है 20,000 में, तो जितने में उसको सेटल किया गया है उतने अमाउंट को आपको लिखना है। और रिमेनिंग क्रेडिटर को पूरा अमाउंट पे कर दिया गया था। रिमेनिंग क्रेडिटर 40,000 है, क्योंकि टोटल क्रेडिटर्स जो कि 70,000 थे उसमें से मैंने उन क्रेडिटर की बुक वैल्यू को माइनस किया है, ना कि उस अमाउंट को जितना उन्हें दिया गया। तो इससे इनका रिमेनिंग क्रेडिटर का अमाउंट निकल कर आया 40,000। ये 40,000 मैंने उनको पे कर दिया। ठीक है बच्चों। तो आपकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज सेटल हो गई। ठीक है। अब आपको फाइनली ये चेक करना है कि आपको इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो डेबिट साइड का टोटल देखिए 3,50,000 और 3 लाख हो गया 650, 650 और 2 हो गया 850, 850 और 20 870 और 40 910, तो 9,10,000 तो ये आ रहा है आपका बच्चों अमाउंट। ठीक है बच्चों। ये देखेंगे तो 10 और 70 80, 80 और 20 1 लाख, 1 लाख प्लस 780 होता है बच्चों 880। तो डेबिट साइड का टोटल है 9,10,000, क्रेडिट साइड का टोटल है केवल 880। इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है। जब भी रिलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड से बड़ी होगी तो जो डिफरेंस है वो रिलाइजेशन लॉस कहलाएगा, और जो रिलाइजेशन लॉस है उसको आप पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे। ठीक है बच्चों। और लॉस को बांटा जाएगा इनके रेशियो 5:3:2 में, रवि, कवि और चांद में। 5:3:2 के रेशियो में बच्चों आप बांटेंगे 30,000 को, 9,10,000 में से 880 माइनस करेंगे तो आया 30,000। इस 30,000 को इनके 5:3:2 के रेशियो में बांट दीजिए तो 15,000, 9,000 एंड 6,000 ये अमाउंट निकल कर आएंगे। ठीक है बच्चों। और इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट को ही मांगा गया था। ठीक है बच्चों। तो आपको इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, ना ही बैंक अकाउंट बनाना है, ना ही लोन बाय पार्टनर अकाउंट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। क्लियर बच्चों। वैसे मैं बता दूं, यह है इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2024। और ये क्वेश्चन इसलिए भी खास है क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 के एग्जाम में आया भी था। ठीक है बच्चों।